हेलो दोस्तों, राधे राधे। पिछले क्लिप से तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। खैर, यदि नहीं पहचाना मुझे तो मैं फिर से बता देती हूँ। मैं मंजरी वर्मा, और यहाँ YouTube की बड़ी सी किताब में एक छोटा सा पेज है मेरा, मंजरीज जर्नल, जिस पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आज रसोई बनाने आई तो याद आया कि पिछले कुछ दिनों से हमारी मुलाकात हुई ही नहीं है। छोटे ब्लॉग्स, मतलब कि शॉर्ट वीडियोस पर तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन बड़े ब्लॉग्स मैंने कई दिनों से पोस्ट नहीं किए हैं। तो सोचा चलिए आज साथ में हम खाना बना लेते हैं, कुछ बातें भी हो जाएंगी, साथ साथ में खाना भी बन जाएगा। तो ये मेरा बच्चा जो बीच बीच में आपको दिखता रहेगा और मुझे भी तंग करता रहेगा। दाल चावल का कुकर में लगा चुकी थी पहले ही, तो यहाँ बीन्स की सब्जी को मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं इसके आगे पीछे को डंठल को काट कर कैंची से कर लेती हूँ। ऐसा जल्दी हो जाता है, बस इसलिए करती हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसे पानी में भिगा के रखा, फिर मुझे भिंडी दिख गई तो सोचा भिंडी साफ़ कर लेती हूँ और भिंडी फ्राई बना लेती हूँ। कई दिनों से मेरे हस्बैंड डिमांड कर रहे हैं कि भिंडी फ्राई बनाई जाए घर में, तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ, भिंडी को लंबा लंबा काटने में। भिंडी की एक बहुत खूबसूरत कहानी है मेरे बचपन की। कहानी कहूँ या मेमोरी कहूँ, हम सब कज़न्स बचपन में इकट्ठे हो जाते थे। लगभग घर में 6 से 8 बच्चे हो जाते थे, तो उस समय मम्मी के ऊपर काम का लोड भी आ जाता था, तो वो हमारे काम बांटती। अक्सर सब्जियां काटने की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे आती। हम कुछ 3-4 लड़कियों को सब्जियां काटने, साफ़ करने की जिम्मेदारी दी जाती, तो उसमें भिंडी के लिए एक लड़की भिंडी को साफ़ करती, दूसरी भिंडी के आगे पीछे के डंठल काटती, और तीसरी जो कि बड़ी होती तो वो भिंडी को गोल गोल काट रही होती। अब आप सोचेंगे कि चौथा व्यक्ति क्या करता था, तो चौथा व्यक्ति हमारी मम्मी के समझाने पर कि ये जो तुमने आगे पीछे के डंठल ज़्यादा ज़्यादा काट दिए हैं, इससे तो एक चिड़िया का पेट भरा जाता, तो वो उस आगे पीछे के डंठल में जो ज़्यादा ज़्यादा कट जाता था वो काट रहा होता था। इस तरह से हम लोगों ने बचत करना सीखा, और मेरी भी भिंडी साफ़ हो गई है, मैंने उसे साइड में रख दिया। और फिर यहाँ मैंने दाल की, टमाटर और मिर्चियाँ भी काट ली। रसोई बनाने से ज़्यादा तो रसोई की तैयारी करने में समय लगता है। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप घर में अकेले रसोई बना रहे हों, वरना यदि आपको कोई तैयारी करके देने वाला हो या जिससे आप बातें करते करते रसोई बना रहे हो, तो समय का पता नहीं चलता। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ घर में, तो इसलिए मुझे समय का पता चलता है। पहले तो भी मैं कुछ जल्दी कर लिया करती थी, लेकिन आजकल आपको दिखाने, आपसे बातें करने के चक्कर में थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये तो मेरा शौक है, मैंने ही इसे चुना है, मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है। तो समय कुछ ऐसा लग जाता है कि कैमरा सेट करना, और अभी मैं किचन वगैरह में ना ट्राईपॉड का यूज़ नहीं करती हूँ, बस फ़ोन को ऐसे ही रख लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं चली गई थी तेल का पाउच लेने, क्योंकि तेल थोड़ा ख़त्म हो गया था केटली में। रिफिलिंग करना ना मुझे बहुत पसंद है, हर चीज़ को सलीके से वापस भर के रख देना, कितना अच्छा है ना, कुछ भी चीज़ खाली ना रहे, ना किसी का दिल ना कोई डब्बा। फिर उसके बाद यहाँ मैंने फटाफट तैयारियाँ कर ली हैं, अब मैं लगाऊंगी सब चीज़ों में छमका। कुकर मेरा पहले ही हो चुका था, क्योंकि कुकर मैंने पहले ही लगा दिया था दाल चावल का, ये डिसाइड करने के पहले कि आज मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ मेरा कुकर हो चुका था, फिर मैंने दाल चावल को हॉटपॉट में रख दिया और दाल निकाली। तब तक तेल गर्म हो गया और मैंने बीन्स की सब्जी को छमक दिया। ये टमाटर नाचते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप लोगों ने आज लंच में क्या बनाया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कल मुझे क्या बनाना है। यू नो, औरतों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है ना। फिर यहाँ मेरा अविक वापस आ गया, मामा केक 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 करते हुए। ये केक की रेसिपी का वीडियो भी जल्दी आएगा, ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अविक को केक दिया, छोटा सा टुकड़ा मैंने भी खा लिया, फिर उसने बोला नाइफ़ भी दे दो मम्मा, मैं कट करूँगा। और यहाँ घबराइएगा मत, ये प्लास्टिक का चाकू है जो केक काटने के लिए अक्सर बेकरी वाले हमें साथ में देते हैं, तो अविक ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसका बर्थडे, तो वो केक कट करके खाता है उससे। फिर यहाँ मैंने फीकी दाल निकाली है, क्योंकि अविक और उसके पापा को फीकी दाल ही पसंद है, संकेत प्रिफेयर करते हैं कि वो फीकी दाल ही खाएँ, और मुझे छमकी हुई लाल मिर्ची की दाल पसंद है, तो मैं मेरे लिए यहाँ लाल मिर्ची की दाल छमक रही हूँ।
एक्चुअली मेरे साथ साथ पापा जी भी हैं जो चमकी हुई दाल खाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, मुझसे इतनी दाल नहीं खाते बनती। और ये टमाटर लहसुन डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो मेरा चॉपर बोर्ड है ये भी बहुत भारी है। फिर मैंने इसमें छमका लगा दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें दाल। मेरी दोनों तरह की दालें भी तैयार है और सब्जी को चेक करना बाकी है कि उसके क्या हाल हैं। तो बस यहाँ दाल को देख लेते हैं फटाफट और उसके बाद सब्जी से पूछते हैं कि तुम्हारे क्या हाल हैं भाई। इसमें मैंने अभी मसाले ऐड नहीं किए थे, मसाले ऐड कर देती हूँ। और एज़ यूजुअल एक हाथ में कैमरा लेके करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए और थोड़ा सा सिझाने के लिए रख दिया है। चलिए भिंडी भी तो बची है अभी, भिंडी में डालूंगी मैं थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और आधा चम्मच लगभग मैंने इसमें नमक डाला है। आप नमक आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इसमें थोड़े से हल्के हल्के पानी के छींटे लगाकर ताकि ये बेसन इस पर लिपट जाए। इस प्रकार से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत हल्के हल्के छींटे डाले हैं क्योंकि भिंडी के मुझे भजिए नहीं बनाने हैं, मुझे सिर्फ इसको फ्राई करना है। इस प्रकार से मैंने इसको मिक्स कर लिया और यहाँ मेरी भिंडी मिक्स होके तैयार है। अब इसको मैं तेल को गरम रख दिया है, तेल जब बहुत तड़तड़ाता गरम हो जाए तब इसमें मैं भिंडी को छोड़ूंगी। तो सबसे पहले तो एक न्यूज़पेपर लगा लिया है मैंने। हम टिश्यू पेपर कहाँ यूज़ करते हैं इंडियंस। जब तक तेल गरम हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने किचन अवेयर लिया, सारी चीज़ों को ले जाके फ्रिज में रख दिया क्योंकि ये भी तो मुझे ही करना है, बाद में करूँ चाहे पहले करूँ, तो अभी ही कर लेती हूँ। तेल बड़ा गरम हो गया है और अब इसमें मैं छोड़ती हूँ भिंडी को। तो ये भिंडी किस तरह से नाच रही है आप इन्हें भी देख लीजिए। वैसे मुझे हर चीज़ को इतना फैंटेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किचन में मैं अकेली होती हूँ तो कर लेती हूँ और थोड़ा सा नाच लेती हूँ, गा लेती हूँ। फिर आंटी आ गई थी, हमारे यहाँ रोटी बनाने आंटी आती हैं, तो उन्होंने रोटी की तैयारी करी, आटा गूँथा और उनके आने से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर मैं रिलैक्स होने वाली लड़की हूँ ही नहीं, मुझे लगा कि ठीक है थोड़ी सी छाछ भी बना लेती हूँ, दही भी रखा हुआ है, छाछ बना लेने से थोड़ा सा सबको अच्छा लगेगा, जेंट्स धूप में से आते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने छाछ बनाई, उसमें बर्फ़ के दो टुकड़े डाल दिए हैं ठंडा होने को। आंटी अपना काम करती हुई रोटी बनाई, फिर संकेत जिमने आ गए तो मैंने उनकी खूबसूरत सी थाली पुरसी, उन्हें जिमने बैठाया और उनके लिए छाछ का एक पूरा बड़ा ग्लास भरा, उन्हें छाछ पुरसी, उन्हें जिमाया, फिर पापा जी और अविक जिमे और उसके बाद मैं जिमी और फिर मैंने मेरा जो कल बनाया हुआ केक था उसका एक टुकड़ा इंजॉय किया जो आगे आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए अब बारी है कि मैं आप लोगों से विदा लूँ क्योंकि अब मेरे आराम करने का समय हो गया है। आप भी आराम कीजिए लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।